गया महाबली दस सिंह। सेवाय नमः सेवाय नमः सेवाय। जटावन प्रदेश से भई जंग बालिका पवित्र कंड पे परी भुजंग तुंग मालिका डामाट डामाट निनाट पुण्य से ढाकरे सदो शंभु संक्रोति दास का भला करें। ओम नमः सेवाय नमः सेवाय नमः सेवाय। भोलेनाथ ये क्या हो गया, माफ का ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर निसंगता से सहन कर रहा था, अकस्मात ये कौन करा है? रावण सावधान सावधान। आज रावण को सावधान करने की चेष्टा ये करने वाला भूतल पर कौन हो गया? शिवानाथ। कारण क्या है? क्योंकि जिस मंदिर की एट एट ये सदा ही मुस्काती, आज वही ये बनकर ये प्रसाचनी ये गीत प्रलय के गाती, ये सरसर ये झरझर क्यों पत्ते झरते धू धू करती, क्यों समीर क्यों अचानक ये मेरा ध्यान भंग, अंदर से नीचे गिरा नीर फिर क्यों मचल रही आज भुजाए ये कहती, अस्त्र उठाने को शिवानाथ बतला दो कौन था गाने को। हे भोलेनाथ कारण क्या है, ये किसने गीत प्ले कर गाया, ये रण सागर कौन मच रहा, कौन पीरा पिसका प्याला, ये धरती डगमग डगमग डोल थी या बिस्तर ने कर ली। भोलेनाथ कारण क्या है, एहो गुरुदेव बतावे मुझे बारंबार मेरे कानों पर एक ही शब्द सावधान का, कारण क्या है? जो बाई भुजदंड आंख ये कान फड़फड़ाते हैं, लंका की ओर काग गिर मनाते हैं, एहो गुरुदेव शीघ्र बताओ मुझे कारण क्यों? जो नैन नील भर लाते हैं अवश्य गात करा में, कारण क्या है? जो बारंबार एक ही शब्द सावधान का। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। विद्युत हो गया महाराज। जनक की राजधानी में सीता का स्वयंवर और माध्यम भूतनाथ के पान पराकी का माध्यम बनाया गया है, अजगो का माध्यम बनाया गया है, अजगो के माध्यम से खंडन करवाने के माध्यम से उस परमात्मा की खोज महाराज जनक कर रहा है। महाराज जनक एक योगी राजा है, ज्ञानी राजा है, उसने सोचा होगा कि भूतनाथ के पावन पिनाकी का खंडन कराने के माध्यम से उस परमात्मा की खोज होगी। किस परमात्मा की? जिसके लिए बरसों से मैं तड़प रहा था। परमात्मा अगर आया है तो केवल मेरे लिए, ईश्वर आया है भूतल पर तो केवल मेरे लिए, क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी, या उसने ही अवतार लिया। अगर अवतार लेकर भूतल पर आया है तो फिर मेरे लिए आया है, क्योंकि परमात्मा वो है और मैंने उसे पाने के लिए एक नहीं अनेकों मार्ग देखे हैं। मैंने पूजा किया जब किया तब किया, हमने किया यज्ञ की, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। फिर मैंने स्वयं का मार्ग चयन किया कि जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अपमानी तब तब धर अत्याचार सीमा पर होगा तब वो परमात्मा भूतल पर आएगा। तो परमात्मा है तो केवल मेरे लिए, महाराज जनक तुम्हारे लिए नहीं, ईश्वर आया है तो केवल मेरे लिए, क्योंकि जिसके लिए बरसों से कर रहा था प्रतीक्षा, और अगर वो भूतल पर आ गया है परमात्मा नर रूप में आ गया है तो फिर मेरा भी कहना है, क्योंकि होए भजन नहीं तामस देहा, भजन नहीं होगा शरीर तामसी है उसकी पूजा नहीं होगी, होगी पूजा
लेकिन मंदिर में नहीं, किसी दीवाले में नहीं, उसकी पूजा होगी युद्ध के मैदान में, खेत में पूजा होगी। इसलिए मेरा भी कहना है, भोले कर दो वो शक्ति प्रदान, मैं जग को पाठ पढ़ा दूंगा, उस पर ब्रह्म परमेश्वर को भूतल पर नाच नचा दूंगा। अगर उसकी परिभाषा उसे याद न दिला दी तो नाम रावण नहीं, रावण शकुनी ही कहा जाता। रावण नाम ही अपमान का, योद्धा में, दमन में, अहवंत में, तुरी में जन जन की आत्मा हलचल मचा दे, उसी का नाम तो रावण है। इसलिए महाराज जनक सावधान सावधान, मैं मिथिला रहा हूँ, आने से पहले अगर खंडन होगा अजगौ का तो परम ब्रह्म होगा। बामर बामर और आप हमारे पूर्व प्रधान श्री कामता पाल जी दशानंद जी के सुंदर अभिनय पर 21 मुद्राएं प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सकल लोगन भैया पर्दा के लिए तो कोई रहो एक नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय जय जयति, जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग वामर शूल पाणी मृत्युंजय शंकर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, फैल फैल लपटात गाद पर अगणित व्याल और विषधर, जय महादहिनकारी योगेश्वर, आशुतोष अपराजित अगहर, प्रेम राशि पशुपति पन्नक धर, जय पार्वती शिव हर हर हर। ओ विश्व के मंगलकारी देव, आज शिवान के जीवन में ये असामयिक परिवर्तन कैसा, ये निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रविष्ट हो, स्रोतपुर के प्रखर प्रसादों पर ध्यान मग्न बैठा इस बलि पुत्र के श्रवण रंधों पर कौन कह रहा है सावधान सावधान सावधान, जबकि अखिल भूमंडल पर मैंने कोई भी वीर कोई भी योद्धा अवशेष ही नहीं रखा, जो मुझे सावधान करने की सामर्थ्य रखता हो फिर देता कौन आदेश, सावधान हो वाणेश, क्या वो रक्त पिपासा रणचंडी विकराली मुंड वाली काली का खप्पर वो रक्त से विरक्त हो गया, या वो सोडर सोसरा बिलक्षणी वसुमती वसुंधरा का कोई मोल रक्त से विमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है, नहीं नहीं गुरुदेव, मेरी आज्ञा से ये मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली पवन के पलायन की प्रबल प्रकृति आज झंझा सा रूप धारण कर अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस प्रबल प्रभाकर को धूमलता प्रदान करने की चेष्टा कर रही है। मेरे संकेत मात्र से ये सिर झुका कर खड़ी हो जाने वाली योगनिया आज अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ दसों दिशाओं में स्वच्छंद विचरने का प्रयास कर रही है। हे आशुतोष अपराजित अगहर, जिस समय में आपका करता हूँ पूजन उस समय आपके पूजन में ये सहसा क्यों चटन,
आज जीवनो पद कर पद के तन पर बैठा था मैं शांत उपेक्षित, देख रहा था सप्त सिंधु की मधुर लहरियों का जल कर चित। ना जाने किसके वैभव के गीत हो रहे भूपर निर्मित, ना जाने क्यों आज है बालासुर का हृदय उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा जा रहा है, जिस मृत्यु लोक को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। लेकिन सहसा मेरा यह मन उस मृत्यु लोक की ओर क्यों जा रहा है। गुरुदेव आज ना जाने किसके वैभव के गीत हो रहे भूपर निर्मित, तो क्या हम दैत्यों के बल पौरुष से हो रह गया वेश परिचित। नहीं नहीं गुरुदेव, मेरा मन आपके चरणों तक पहुंचने ही वाला था, अचानक क्षमा गूंज उठा कोई स्वर जिससे कापी दसो दिशाएं, तड़ 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 कर टूट रही थी जैसे टूटे राज सिखाए, उर्मे उठता आज वर्षा ये प्रज्ञावन उलझन भटक रही, क्यों भाव से दुर्वा होकर ये वज वेदना उभर रही। देख रहा हूँ एक और इन अस्त्रों शस्त्रों से सजी वो भीषण झलकारे, तो दूसरी ओर ऋषियों मुनियों का करुण क्रंदन, तो तीसरी ओर तानोता का सफल अट्टहास, तो चौथी ओर मानवता का करुण रुदन। क्या कारण है गुरुदेव ये भारत विशाल भी तड़प तड़प कर क्यों उठा रहा है रण का ज्वार, तो भी सुरक्षा हेतु भूमि पर कौन बाण को रहा पुकार, कौन बाण को रहा पुकार। अरे किसने गीत ग्रंथ का गाया, किसने गीत प्ले का गाया, अरे इस बलि नंदन बल की छाती पर वो किसने है अट्ठास बताया, किसने गीत ग्रंथ का गाया, किसने गीत प्ले का गाया। ये कैसा धर्म धरा पर, ये कैसा धर्म धरा पर पीड़ित बूंद आन का जंजन, वो तिषित विप्र व्याकुल मुनिवरगण बोल रही अधर्म की तूती, दुष्टर हुआ समाज का जीवन। अरे वो किसने दूध अवरण प्रचंड से वो मानवता का हृदय हिलाया, किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत प्लय का गाया। अरे वो अत्याचारी सावधान इस बलि नंदन ने है शस्त्र उठाया, किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत प्लय का गाया। क्या कारण है गुरुदेव ये अचानक ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी, ये जाता है किसका विमान गगन अंबर में गड़गड़ाहट देता, इस विमल विश्व की भी शिखा पर अपनी अपनी ताने देता। क्या कारण है ये जाता है किसका विमान, आगत कराओ भूतनाथ आगत कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया हो रहा स्वयंवर सीते का मिथिलापुर की राजधानी में, और आने का हुआ विचार उस लंकापति अभिमानी में, यदि वहां नहीं जाऊंगा तो सब अनर्थ हो जाएगा, वो मद से भरा रावण मनमानी कर दिखलाएगा, क्योंकि जहां पर यज्ञ होता है ये निशाचर अवश्य पहुंच जाते हैं और वहां ये वहां जाकर के अवश्य रूप से अनित करेगा। तो क्या करूं करूं प्रस्थान अब मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की कभी ना मेटूंगा सुयस उस गंगधारी की, जाकर मिथिला में दशानन के आनंद को पकड़ूंगा, अनर्थी यदि बना तो पकड़ूंगा और पछाड़ूंगा, करूं प्रस्थान अब मिथिला को। सरोदपुर की देवियों सरोदपुर की रक्षा करना, बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ। विमल वेद का पर स्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाण का प्रणाम स्वीकार करें अहम तो हम बंदे, और इस 18 योजन के अंतर्गत अर्थात 72 कोष में बनी ये रंगशाला, और इस रंगशाला के अंतर्गत दीप दीप से आए हुए भूपाल निरपाल और महपाल इस बलिपुत्र बाणेश की घोषणा को अपने दोनों कानों को खोल करके स्पष्ट रूप से सुन लें। यहाँ पर एक कन्या का विवाह हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है, और यदि यहाँ पर किसी के द्वारा
अमंगल करने का प्रयास किया गया तो वाणेश के द्वारा दंडित किया जाएगा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। सावधान सावधान सावधान। आया था, देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, बड़ा सुंदर निर्माण कराजनक के द्वारा किया गया है। ध्यान दें, आप है हमारे भैया श्री अर्जुन राजपूत जी बिहारी वाले, आपकी ओर से बाणासुर जी के सुंदर अभिनय पर इक्यावन मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहा हूं यहाँ पर देश देश के राजा उपस्थित हैं, दीप दीप के भूपति नाना आए सुन जो पठाना। और 21 मुद्राएं पुनः हमारे आदरणीय श्री कामतापाल जी पूर्व प्रधान की ओर से बाणेश जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दीपों के राजा उपस्थित है और सीता सुमर की शोभा बढ़ा रहे हैं। इधर देख रहा हो तो बल वेदिका पर भूतनाथ के पान पिनाक स्थापित हैं और स्थापना के बाद प्रेरित किया गया सोई पुरारी कौटिल्य कठोरा राज समाज आज हितोरा। कोई भी राजा, कोई भी दिक्पाल, कोई भी महिपाल आकर तोड़ दे, उसके साथ विवाह किया जाएगा। किसका? सीता का। ये महाराज जनक कपड़े हैं कि आज कोई भी इस राज समाज के अंतर्गत इसका खंडन कर दे, उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा। नाम धनुष यज्ञ रखा गया, जिसके नाम का यज्ञ उसी की आज आहुति दी जा रही है। लेकिन गलत, महाराज जनक तुमने पिता का धर्म नहीं निभाया। पिता का धर्म क्या होता है, उसका तुमने पालन नहीं किया, इसलिए मैं कहता हूँ आ चुका लंकधीत, मिथिला के मध्यात धन ग्रीस का नाखंड हो पाएगा। बंदियों बंद कर दो, ये नाच गान किंचित कुचाल का चक्र जो चलाएगा, प्रणवदे का लंकेत पलटाएगा, जो जहां से आया है वापस चला जाए। सीता संबर समाप्त। मिथिला समाज के अंतर्गत समानी दसानंद जी का आगमन, आज मिथिला समाज में वीरों का संगम हुआ है। मिथिला समाज में एक से बढ़कर एक वीर उपस्थित हुए हैं और इन वीरों की समाज में विश्व के प्रचंड वीर दशरथ विष भुजबंधा, रावण नाम वीर बरबंडा, रावण नाम का प्रचंड वीर भी आया है। आज यह मिथिला समाज अपने समक्ष इस वीर को पाकर के गौरव का अनुभव कर रही है। ये मिथिला समाज ही नहीं, इनकी यह गौरवमय उपस्थिति इस वाण के लिए भी वंदनीय है और आगत का स्वागत करना हमारा नैतिक धर्म बनता है। चलते हैं, कुछ बिंदु इन्होंने रखे हैं, क्योंकि आते ही आते इन्होंने राजा जनक के लिए गए निर्णयों पर टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया, एक अवरोध लगाना प्रारंभ कर दिया। चल करके मिलते हैं और अपने विचारों के माध्यम से इनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। दशानन दशग्रीव कंचन नगरी सम्राट पुलस्तकुर भूषण, विश्व में रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राक्षेन्द्र महाकृत्सी के गोद के प्रसून, जय जय श्री शंकर भगवान की। आओ आओ बलपुत्र बाणेन्द्र, जय श्री शंकर भगवान की। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि राजा जनक के द्वारा एक पिता का धर्म नहीं निभाया गया। आपने कहा कि राजा जनक एक पिता का धर्म नहीं निभा रहा है, पिता का कर्तव्य नहीं कर रहा। मैं जानना चाहता हूं कि एक पिता का कर्तव्य क्या होता है। अल्प विराम। तुम जानना चाहते हो कि पिता का धर्म होता क्या है। मैंने कहा महाराज जनक ने पिता का दायित्व नहीं निभाया जो निभाना चाहिए। तुमने कहा मैं जानना चाहता हूं, तो सुनिए श्रीमान जी, पिता का धर्म यह है जो घर वर कुल होए अनुपा, घर देखना चाहिए, पर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए, तब विवाह करना चाहिए। लेकिन ना घर देखा गया, ना पर देखा गया, ना कुल देखा गया, अपन क्या हो गया, सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज तोड़ा। कोई भी तोड़ो, चलिए किसी जात का हो कोई बंधन नहीं। आप कह रहे किसी रुकिए पूरी बात ले, किसी जात का हो, किसी आयु का हो, कोई बंधन नहीं, कोई भी तोड़ दे। ये नियम पिता का कहां का है। इसलिए मैंने कहा कि पिता का धर्म जो होता है, जो कर्तव्य पिता का है, वो महाराज जनक ने नहीं अपनाया।
चलिए आपके द्वारा कहा जा रहा है कि राजा जनक के द्वारा एक पिता का दायित्व नहीं निभाया जा रहा है। पिता का धर्म आपने बताया, जो घर भर कुल होए अनुपा करिए विवाह सोतई अनुरूपा। एक पिता को अपनी पुत्री के लिए घर देखना चाहिए, वर देखना चाहिए। हम आपकी बात से सहमत हैं कि एक पिता को यह सब करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब अरे रुक तो जाओ, पहले सुन तो लो, बड़बड़ाओ ना भाई, पहले सुनो। ये कब करना चाहिए? जब पुत्री आत्मजा हो। लौकिक जगत का ये सिद्धांत है कि एक पिता को पहले घर देखना चाहिए, वर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए। अगर वह सब कुछ कन्या के अनुरूप है तो कन्या का विवाह करना चाहिए। राजा जनक भी वैसा करते। अगर राजा जनक की कन्या लौकिक होती, क्या सीता लौकिक है? क्या इससे पहले कभी किसी को पृथ्वी से कन्या प्राप्त हुई है? और प्राप्त हुई हो तो बताओ, सीता है अलौकिक? तो राजा जनक ने, अब जब सीता अलौकिक है तो सीता के वर को भी अलौकिक ही होना चाहिए। अलौकिक कन्या के लिए अलौकिक वर, इसलिए। और ये धनुष भी अलौकिक। तो राजा जनक ने एक अलौकिक की खोज के लिए एक अलौकिक को माध्यम बनाया। फिर धनुष टूट रहा है, आपको क्या आपत्ति है? श्रीमान जी, मैंने कहा कि सीता का जो पिता माना जनक है, तुमने कहा सीता कौन की पुत्री है, भूम से मिली है। पहली बात तो यहां पक्षपात किया जनक ने, यह पक्षपात किया कि सीता भूम से पैदा हुई है, धर्म पिता का है। अब पिता अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, पढ़ कर दिया, बोले सीता अलौकिक है। जब सीता अलौकिक है और धनुष भी अलौकिक है तो राजा कैसे बैठे हैं लौकिक में? पर राजा काहे बुलाए गए हैं ये भाई? जब धनुष अलौकिक है और सीता अलौकिक है तो जो लौकिक राजा बैठे हैं ये उपहास के पात्र होंगे। क्योंकि जब राजा जनक लौकिक जगत में अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं तो वो लौकिक जगत में ही अलौकिक की खोज करेंगे। रुक जाइए, महाराज जनक अलौकिक जगत में है, है ना? महाराज जनक अलौकिक जगत में है। अलौकिक में नहीं, लौकिक में। लौकिक में है, ठीक है, लौकिक में है। और लौकिक के प्राणी का धर्म क्या कहता है? जो लौकिक प्राणी है, जो संसार के राजा बैठे हैं, ये पिता बैठे हैं, इसी प्रकार जनक है तो जनक का धर्म यही कहता है जो संसार के पिता करते हैं। अच्छा, संसार के पिता करते, क्या ये अनुरूप होगा? ये जो अर्धाली तुमने पढ़ी है, जो घर भर को हो अनुपा करिए विवाह सोता ही अनुरूपा, ये पिता का धर्म है। हाँ, पिता का धर्म है। अगर राजा जनक इस सिद्धांत का पालन करेंगे तो क्या यह सिद्धांत सीता पर लागू होगा? क्या वो पर सीता के अनुरूप होगा? अगर राजा जनक लौकिक जगत के सिद्धांत का पालन करेंगे तो क्या जो पर सीता को मिलेगा क्या वो सीता के अनुरूप होगा? तो श्रीमान जी, फिर ये लौकिक राजा क्यों आए हैं? उपास का पात होंगे ये। फिर वही बात भाई, जो अलौकिक की खोज है तो फिर राजा उपहास के पात्र हो जाएंगे। यहाँ पर बैठे देश देश के भूपति नाना। तो दूसरी बात, ये क्या है? ये भूपति है, इस भूमि के पति हैं। भूपति, भूपति यानी भूमि के पति। और सीता क्या है? भूमजा। तो पहली बात तो पिता और पुत्री का संबंध नहीं हो सकता है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, अगर ऐसा हुआ नहीं, वो अलौकिक नहीं मिला, तो राजा उपहास के पात्र हो जाएंगे। अगर सीता, मैंने कहा कि जो जहां से है राजा वापस। अरे सुन लो, पहले सुना दीजिए। अगर सीता इस लौकिक जगत में आई है तो वो भी आया होगा। अगर सीता अलौकिक जगत में, अलौकिक के रूप में लौकिक में आई है तो सीता का वर भी लौकिक जगत में आया होगा। ऐसा सीता ने क्या किया कि जनक ने समझा कि अलौकिक है? कुछ किया क्या? अच्छा, सीता अलौकिक। अच्छा ये बताओ,
अब इतना काफी नहीं है कि जिस कन्या का जन्म पृथ्वी से हो क्या वो कन्या साधारण होगी? नहीं होगी। है क्या होगी वो साधारण? तो और राजा जनक ने जो प्रण किया, सीता ने इसको बाएं से उठाया, और एक सिद्धांत है हर पिता ये चाहता है कि हम अपनी पुत्री के लिए वर। ध्यान दें, पुनः हमारे आदरणीय श्री पूर्व प्रधान श्री कामता पाल जी की ओर से 101 रुपए सुंदर संवाद पर दोनों कलाकारों के लिए प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि हम अपनी कन्या के लिए वर देखे तो कन्या से निम्न हो। क्या हर कोई पिता ये चाहता है कि जो भी हम घर देखें अपनी कन्या का विवाह करें तो कन्या से दुगुना होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, दो गुना श्रेष्ठ होना चाहिए। इसको समझो, शब्दों पे ध्यान देना, केवल श्रेष्ठ पे ना जाना। मैंने कहा है दो गुना श्रेष्ठ होना चाहिए। अरे कन्या बड़ो दुगुनो। हाँ, कन्या बड़ो दुगुनो, कन्या से बर दुगुन होना चाहिए। अब सीता ने इसको उठाया, ठीक, राजा जनक ने प्रण कर दिया कि जो उसको उठाएगा चढ़ाएगा तोड़ेगा मैं उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। क्या अनुचित किया है? अनुचित किया है। अनुचित क्या किया है? ये किया अनुचित महाराज जनक ने कि माना सीता ने उठा लिया, तुम्हारे कहने पर हम मानते हैं कि सीता ने इसको उठा लिया, तो ये कहना चाहिए कि जो उसे उठा के चढ़ा दे घुमा दे, इतने बात पर्याप्त थी। तो जो चढ़ाएगा वो कन्या से श्रेष्ठ हो जाएगा, फिर इस सिद्धांत का पालन नहीं होगा। कन्या रुक जाओ, तोड़वाया क्यों जा रहा है? फिर इस सिद्धांत का पालन कैसे होगा जो तुम पढ़ रहे हो? कन्या वरौ दुगुणे, कन्या से दुगुना होना चाहिए। अगर इसको उठाएगा वो चढ़ाएगा तो कन्या से श्रेष्ठ होगा, दुगुना नहीं होगा। तुम राजा जनक को मूर्ख समझे हो का? राजा जनक कोई साधारण ज्ञानी है? जासु ज्ञान रवि भव निष्णासा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आठों योगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी हैं, हैं? और तुम उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हो कि राजा जनक के द्वारा अनुचित किया जा रहा है। अगर राजा जनक के द्वारा लिया गया यह निर्णय अनुचित होता तो किसी ना किसी के द्वारा विरोध अवश्य होता, क्योंकि समाज में अगर कोई कार्य अच्छा ना हो रहा हो, भाई कुछ लोग होते हैं जो विरोध ना करें, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि सब लोग चुप रहे। अगर यह अनुचित होता तो यहां पर गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं, सतानंद जैसे कुलाचार, अष्टावक्र जैसे ज्ञानी बैठे हैं, विश्वामित्र जैसे महामुनि ज्ञानी भी बैठे हैं, किसी के द्वारा भी विरोध नहीं किया गया। और विरोध किसके द्वारा किया जा रहा है? जिसने कभी धर्म का काम किया ही नहीं। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो साधुओं से सेवा करवाते हैं आज वो साधुओं के द्वारा लिया गए निर्णय पर टिप्पणी लगा रहे हैं। टिप्पणी करने का अधिकार किसको है? जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से श्रेष्ठ हो। अच्छा, तुम राजा जनक से श्रेष्ठ हो? अच्छा, कहां से श्रेष्ठ हो बताओ, कहां से श्रेष्ठ हो? पहली बात तो ये, तुमने कहा कि जो नियम है कन्या बरो दुगुणो, हमने कहा सीता उठा लिया, और जो उससे बर जो उसको बर मिले उठा लेता चढ़ा लेता, प्रण की पूर्ति हो जाती, बर की परीक्षा हो जाती, ये बच जाता, ये बच जाता, और कार्य की पूर्ति हो जाती, उन सिद्धांत कहां जाएगा? तो सिद्धांत फिर वो कहां चला गया श्रीमान जी, जो हमने रखा था पहले कि पिता का धर्म क्या होता है? जो पिता का धर्म है वो भी एक सिद्धांत है, है? भाई पिता का जो धर्म है वो भी एक सिद्धांत है, लेकिन जनक ने ऐसा नहीं किया। आपने सुना नहीं, आप शब्दों को नहीं सुनते हैं। सुन लिया, अब तुमने जो बात रखी उसमें ले, तुमने कहा कि तुमने हमेशा अत्याचार किया है, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा मई सेवा, ये हमारे तुमने कहा कि हम ऐसा करते हैं, ठीक है मानते हैं हम पाप करते हैं अत्याचार करते हैं, तो हम में और जनक में अंतर नहीं रहा, प्रिय को एको नहीं रहा। अब तुम्हारी बात पर लेता हूं उत्तर तुम्हें से, इसमें प्राण की नहीं है, इसमें प्राण है कि नहीं है? हाँ चलो, मैं मानता हूँ प्राण है, है? हाँ। ठीक है, हमारा काम है मार काट करना, हाँ।
दूसरे के प्राण लेना ठीक, और इधर भी प्राण लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये प्राण लिए जा रहे हैं कि उद्धार हो रहा है? कैसे उद्धार हो रहा है ईमानदारी से बताओ। प्राण लेके जा रहे हैं किसी की बरियाई, प्राण लेना उद्धार नहीं है। रुक जाओ, क्यों रुक जाए? बरियाई, अच्छा जबरदस्ती प्राण लिए जा रहे हैं? जबरदस्ती, अरे सुनो, किसी के अस्थियों का अगर उद्धार हो रहा है, किसी संत का उद्धार हो रहा है, क्योंकि सिद्धांत है जो जन्मे सो निश्चय नाशा और जो नाशा सो पुनः। अगर इनका उद्धार नहीं होगा, जन्म लिया था तो नाश अवश्य होगा। ठीक हो गई बात? हाँ। अच्छा, आप लोग सब सुन रहे हैं? हाँ। आप भी सुन रहे हैं? बोले इनका उद्धार हो रहा है। हाँ। किसी की बरियाई प्राण लेना जबरदस्ती, उसे मोक्ष मिलेगा? अच्छा, नहीं मिलेगा। जैसे जबरदस्ती क्या है इसमें? रुक जाओ, ये बता दो, तुम जैसे बार बार क्या तुमने पूछा अजगौ से की इच्छा तुम्हारी है टूटने की? हाँ। भाई क्या पूछा गया उससे? हाँ। कि तुम्हारी इच्छा टूटने की मान लो। चलिए अब यही, रुक जाओ आप, रुक जाओ, रुक जाओ, जाओ। हाँ। समाज में आ जाइए। हाँ। किसी की बरियाई प्राण लिए जाए और फिर कहा जाए कि मोक्ष मिल रहा है इसको, भाई कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, लोग करते हैं आत्महत्या करना। जो व्यक्ति अपने आप में हत्या कर लेता है, किसी पदार्थ के द्वारा अपनी जान खो देता है, वो जीवन कभी मोक्ष नहीं पाता है। विधाता के लिए प्राण, वो मोक्ष को पाएगा। और जो अपने आप प्राण गमाएगा, व्यक्ति कोई भी हो संसार में, चाहे अपने आप प्राण गमा दे या कोई प्राण उसके ले ले, वो कभी मोक्ष नहीं पाएगा। चलिए रुक जाओ, अब रुक जाओ, रहेगा। देखो ज्यादा समय का भोजन ना करो, थोड़े थोड़े में होता जा। आप कह रहे हैं कि राजा जनक ने इनसे पूछा, मतलब इनमें आपके कहने का तात्पर्य है कि विचार विमर्श करने की क्षमता इनमें है, यही कहने का तात्पर्य है ना? बात कही है तुमसे। फिर भाई हम, अब देखो, जब तुमने जो हमसे पूछा, हमने आपका उत्तर दिया, अब तुम हमारी बात का उत्तर दो। है? आपने कहा कि अजगो से क्या पूछा गया कि हम तोड़वाना चाहते हैं, तो आपके कहने का तात्पर्य फिर यही हुआ कि इनमें विचार विमर्श करने की सामर्थ है, ये विचार विमर्श कर सकते हैं, यही है ना? कर सकते हैं। अगर ये विचार विमर्श करने की सामर्थ रखते हैं और अगर ये कार्य अनुचित हो रहा है, तो इनको खुद विरोध करना चाहिए था। ठहर जाओ, रुक जाओ, इनको खुद विरोध करना चाहिए था कि मुझे क्यों तोड़वाया जा रहा है। विरोध करना चाहिए थे कने? अगर इनमें क्षमता है और ये शांत है तो ये सहमति प्रदान कर रहे हैं। अरे रही बात हत्या की, बात समझो। अरे बात समझो, बात हम तुम्हारी समझ गए। तुम्हें समझाने की एक धारा दे रहे थे, जिस तुमने कहा कि इसको मोक्ष मिल रहा है, तुमने पहले कहा था किसी की बरियाई प्राण लेना उसे मोक्ष नहीं मिलता है। श्रीमान जी खूब दिमाग से सोच लेना भाई, किसी के जबरदस्ती प्राण, तो पहले सुनो मेरी बात, बड़बड़ाओ मत। किसी की बरियाई प्राण लिए जाए उसको मोक्ष नहीं मिलता है, मेरे कहने का भाव ये, उसमें प्राण है तो क्या इससे सम्मति ली गई? नहीं ली गई, न सोचा गया। तो जब बरियाई किसी के प्राण लिए जा रहे हैं और तुमको तो मोक्ष मिलेगा, और तुमने एक बात और कही कि जो जन्मे सो निश्चय नाश है और जो नाश है सो पुनः प्रकाश है, तो श्रीमान जी इसका जन्म जो हुआ था उसका निर्माण नहीं हुआ दोबारा, इसका निर्माण किया गया है। जिसे ब्रह्मा जी बनाकर भेजते हैं उसका तो जन्म होता दोबारा, और आने वाले कालखंड में किसी वस्तु का निर्माण कोई कर दे, इधर देख लो ये रखी है, देखो कि इनका दोबारा जन्म होगा। इन्हें ब्रह्मा ने नहीं बनाया इनको वाला, इन्हें ब्रह्मा जी नहीं बनाया है कि दोबारा इनका जन्म होगा। उसी प्रकार ये है, इसका निर्माण किया गया है, ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं बनाया गया इसको। अरे निर्माण किया गया है लेकिन प्राण तो समाहित है ना, ये गाड़ी घूम रहा है तो बरियाई प्राण लिए जा रहे हैं। अरे फिर वही बात, तुम समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे, समझो। तुम कह रहे हो कि क्या इनसे सहमति प्राप्त हो गई? अभी तुम्ही ने तो कहा कि क्या इनसे सहमति प्राप्त हो गई, भाई फिर तुम घूम फिर के वही आ रहे हो कि इनसे क्या इन्होंने स्वीकृति दे दी कि तोड़वा दिया जाए। मेरे कहने जब अगर देखो एक लक्षण, जब अगर ये अगर इनमें विचार, मैंने पहले ही कहा है कि अगर वो सामर्थ्य है विचार विमर्श करने की, तो ये मौन है, और मौनम स्वीकृतम लक्षणम,
मौन रहना ये स्वीकृति का लक्षण होता है कि स्वीकृति देती है। और रही बात इनके उद्धार की, तो जब इनका निर्माण हुआ था तो इनकी जो पत्नी थी महर्षि दधीच की, जो अस्थियों से ये धनुष का निर्माण किया गया, तो जो इनकी पत्नी सुवर्चा थी, सुवर्चा ने पूछा कि इनका उद्धार कब होगा, तो उनको बताया गया था कि त्रेता के चौथे चरण में इनका उद्धार होगा। और ये त्रेता का चौथा चरण चल रहा है और उद्धार का इतना सुगम साधन महाराज जनक ने बनाया है, आपत्ति तुम्हें क्यों है? दुनिया के लवरा मर गए, तुम्हें तापह न आई है, तुम्हें कम से कम ताप आए तो ठीक रहता। अच्छा पहले तुम बताओ, मैंने झूठ क्या है? मैंने जो संकेत तुम्हें किया था सामाजिक तौर से कि अगर किसी के प्राण लिए जाए बरियाई, ठीक है ना, किसी की बरियाई प्राण लिए जाए उससे मोक्ष नहीं मिलता, सामाजिक तौर से किसी के प्राण लिए जाए उससे पहले पूछा जाए कि क्या हम आपकी प्राण ले ले, उसकी अनुमति हो तो ठीक है। अब वो तो न बोलता है न चलता है, अचल रखा हुआ है, ठीक है, चाहे तोड़वा दो चाहे कटवा दो, लेकिन प्राण स्थापित है। तो यही क्योंकि जिस समय इसका निर्माण किया गया ये जुड़ नहीं रहा था, इसमें नाक की हड्डी लगाई गई, इसमें मध्य में नाक की हड्डी लगाई गई, तब से नाम पड़ा पिनाक है। अब ब्रह्मांड में प्राण रहते हैं, तो श्रीमान जी इसमें प्राण है। मेरे कहने का भाव ये कि मेरा काम है मार काट करना, दूसरे के प्राण लेना, और वही काम जनक कर रहा है, प्राण ले रहा है, तो फिर जनक में मुझ में अंतर क्या रहा? ये मेरे बात ये है कि जो मैं कर रहा हूं मार काट अत्याचार, और वही जनक कर रहा है एक संत हो करके। राजा जनक संत है ना, योगी है, वो योगी है, हम ही योगी है। अब कहो जनक कौन सा योगी है, हम कौन सी योगी है? अब हम तुमसे ये नहीं समझ पा रहे कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। कह रहे बार बार कह रहे हो कि बरियाई बरियाई प्राण ले रहे हैं, और फिर बात वही घूम फिर के वही आ जाती है, बात फिर वही घूम फिर के आ जाती है। कह रहे क्या इनसे पूछा गया? फिर वही बात। तो मैंने लौकिक बात की है, कि अगर शुरू बात मैंने तुम्हें उसका सीधा उत्तर बता दिया है कि इनका उद्धार हो रहा है। उद्धार जब इनका निर्माण हुआ था तो ये देवताओं के द्वारा सुवर्चा को बताया गया था कि त्रेता के चौथे चरण में इनका उद्धार होगा, है त्रेता का चौथा चरण हो रहा है और इनका उद्धार हो रहा है, तो इसमें परेशानी क्या है? अब तुम कह रहे हो कि इनसे पूछा गया, इनसे जबरदस्ती इनके प्राण, भाई ये तो है कि या तो तुम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो, या तो तुम समझ पा नहीं रहे हो, या तो तुम्हारी बुद्धि कमजोर हो गई है। मांस मदिरा खाते खाते भैंसा खाते हो गए, तो तुम समझ पा नहीं रहे हो। भाई तुम्हें क्या परेशानी है ये बताओ सीधे सीधे। परेशानी क्या है? बहुत बड़ी परेशानी है। हाँ क्या परेशानी तो होगी, तुम नया चिंतन लो बेटा। हाँ देव नए में आओ, नए में आओ। हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? ये विवाह हो रहा है, विवाह का तो नाम नहीं कहीं आया। नहीं तुमसे मुझे क्या हो रहा है, विवाह का तो नाम नहीं अभी आया है? तुमने सुना क्या है इसमें, क्या सुनकर आए हो तुम? हम तुम्हें से पूछ रहे हैं ना, अब हम तुमसे पूछे तुम का सुन करके आए हो। अच्छा तुम बताओ तुम का सुन करके। हमने तो दो बातें सुनी है। क्या सुनी है? धनुष भी सुना है और स्वयंवर भी सुना है। हम भी वही सुन करके आए हैं, अब बताओ। तो स्वयंवर की परिभाषा क्या होती है लाला? हाँ, क्या होती है? कि कन्या स्वयंवर का चयन करे। अच्छा ठीक है। और कन्या ने किसी अमुक वर का चयन कर लिया, हाँ, और उसके द्वारा कार्य की पूर्ति न हुई, यद्यपि स्वयंवर हो चुका। अच्छा चलो स्वयंवर हो भी चुका। स्वयंवर हो चुका लो भैया। हाँ लो भैया नहीं, अच्छा खोल के पढ़ लेना। चलो बताओ कहाँ हो? स्वयंवर हो चुका। अरे तो लाओ ना, कहाँ हो गया? लाओ लाओ लाओ। स्वयंवर हो चुका, कन्या ने वर को देखा अपने मन में बसा लिया, अब वर ने भी कन्या को देखा अब अपने मन में बसा लिया, तो स्वयंवर तो हो चुका है। और शायद जिसे उसने मन में बसा लिया कि यही वर मिले, अब कहा भी गया मन जाहि राचो मिले वर सहज सुंदर सांवरो, यही वरदान ही मिल चुका उसको कन्या को, और शायद उसके द्वारा पूर्ति न हुई इसकी, तो बेटा फिर क्या होगा पढ़ के तुम्हारे? अच्छा ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से यही है, रुक जाओ, आगे नहीं गए पीछे हैं। अगर आगे नहीं पीछे नहीं, पहले अब रुक जाओ, जितना अब बोधिया है अब उतना काटो। कह रहे स्वयंवर हो गया,
कन्या ने वर चुन लिया और शायद अब उसके द्वारा ये कार्य ना हो तो अच्छा ये बताओ जो कन्या ने वर को देखा है जो तुम कहना चाह रहे हो कन्या ने वर को देखा है तो अच्छा वो प्रण के पहले देखा था कि प्रण के बाद ईमानदारी से बताओ वो कब देखा है। बात यहाँ पलकी नहीं है फिर वही बात रुक जाइए भटको मत अगर बात स्वयंवर की है पलचा लाखों साल से चलता रहा हो अच्छा आज किया गया हो बात यहाँ स्वयंवर की है। स्वयंवर का तात्पर्य होता है कि कन्या स्वयं वर का चयन करे। कई स्वयंवर हुए होंगे नहीं होंगे आगे चलकर। अच्छा ये कौन सा स्वयंवर है? हाँ इच्छित है कि लक्षित है? आधार रखे हो तुम तो उसमें आधार ना। बात तो वही है तुम केवल स्वयंवर कह के समाज को भरमा रहे हो। हम नहीं भरमा रहे बताओ तो तुम भय खा रहे हो पूरा बताओ। देखिए स्वयंवर तीन प्रकार के होते हैं। ये ऐसे आओ ना ऐसे आओ ना तुम भटकते रह जाओगे। हम ना भटकेंगे तुमने तो बस केवल स्वयंवर कह के निकल ले अपना काम बस अपना अपना निकाल लिया। भाई इधर यज्ञ भी है प्रण भी है कि जो भी तोड़ेगा रुक जा इधर महाराज के प्रण भी है कि जो तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह किया जाएगा। ठीक ये जनक के प्रण हो गया। इधर स्वयंवर भी है तो स्वयंवर में तो कन्या ने वर का चयन कर लिया अमुक वर मिले ये भी कहा गया ये वर तुझे मिलेगा और शायद उसके द्वारा कार्य की पूर्ति न हुई तो जनक तुम्हारी क्या करेंगे। अरे जिसने वरदान दिया है क्या उनको ये पता नहीं था कि सीता का विवाह धनुष पर आधारित है? क्या जिसने वरदान दिया है सीता को क्या वो ये नहीं जानती कि सीता का विवाह धनुष पर आधारित है? भाई माता गौरा ने जो वरदान सीता को दिया है सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजई मनोकामना तुम्हारी तो क्या माता गौरा ये नहीं जानती कि सीता का विवाह धनुष पर आधारित है? जब धनुष टूटेगा तब सीता का विवाह होगा। विवाह की बात अलग है या स्वयंवर की बात है? अरे तो ये केवल स्वयंवर नहीं लक्षित स्वयंवर है इस पर विचार करो। लक्ष्य रखा गया है केवल तुमने जो स्वयंवर की बात की है यहाँ पर लक्षित है ये केवल स्वयंवर नहीं है। क्या लक्षित है? लक्षित है लक्ष्य नहीं आधारित है। अरे अच्छा लक्ष्य आधार में अंतर क्या रुक जा सुन लिया अच्छा, अंतर बताओ तुम लक्ष्य और आधार में। इधर आधार अजगो है और लक्ष्य स्वयंवर अभी हुआ नहीं आने वाले काल में होगा कहो बता दूं। अच्छा तुम यो ना बताओ तुम केवल अंतर बताओ आधार और लक्ष्य में केवल अंतर बताओ ये ना बताओ कि कब होगा कब नहीं होगा। मैंने लक्षित कहा है तुमने आधारित कहा इसमें अंतर स्पष्ट करो। अंतर बहुत बड़ा है करो आधारित है क्योंकि आधार अजगो है इधर लक्ष्य का तात्पर्य क्या होता है? लक्ष्य का स्वयंवर होता है तो उसमें लक्ष्य भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? भेजा जाएगा आने वाले कालखंड में होगा उसका भेदन किया जाएगा। अरे वो लक्ष्य का अरे उस पे ना जाओ आने वाले कालखंड में ये आधारित है। अरे आधारित नहीं ये भी लक्षित है। लक्ष्य रखा गया है कि जो उसको तो चढ़ाएगा तोड़ेगा यही तो लक्ष्य है। आधार क्या है? आधार क्या है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ लक्ष्य और आधार में अंतर क्या है। मैंने तुमसे यही तो पूछा कि लक्ष्य और आधार में अंतर क्या है तुम ये समझ नहीं पा रहे हो। तो सुनिए महाराज लंका में जो करते रहे होशो करते रहे यहाँ रहना होश में क्योंकि ये है मिथिला। ओ दिग्विजय लंका धीश्वर तुम संतुलित हृदय करो आज इस मानव समाज में आए हो तो मानवता सा व्यवहार करो। सीता अपनी ही पुत्री है उस पर वेदक विचार करो। मणिमंडक महिमे गढ़ने दो भावरे सिया की पढ़ने दो अगर रह गई कन्या कुआरी तो ये उतर जाएगा सब पानी। ओ लंका धीराज मत बनो गाज तुम संतुलित हृदय करो। अरे उतरे पानी तुम्हारा हमारे को उतरे पानी बिना पेंदी के लौका कभी इधर कभी उधर फुदक रहे हो बिना पेंदी के लौका घूम रहे हो तुम क्यों चाहते हो तोड़वाना। मैं भी समझ रहा हूँ कि ये क्यों चाहता है क्योंकि इसके द्वारा इसके जो परिवारिक थे मारे गए तो भय लगता कि ऐसा ना हो कि हमारे नाम मरा जाए जल्दी टूट जाए तीसरी मान जी बच जाए। चलो आपने बता दिया कि हम क्यों तोड़वाना चाहते हो यद्यपि ये विषय हमारा नहीं है
हम तो एक कन्या के विवाह में सहयोग की भावना लेकर। अरे तुम बहुत बड़े विरोधी हो। अरे हम तुम्हें बता रहे तुम काहे विरोध कर रहे हो। और तुम हो बिना पेंदी के लौका। अरे तुम सोच रहे कि जो इसको तोड़ेगा वो तुम्हें तोड़ देगा, इसलिए तुम विरोध कर रहे हो। काफी बड़े ज्ञानी हो। और ज्ञानी तो है, तुम्हें तोड़ेगा। तुम बिना पेंदी के लौका। भाई जो इसको तोड़ेगा वो तुम्हें तोड़ देगा, ये तुम्हें डर है, इसलिए तुम विरोध कर रहे हो। जानते हो अगर तुम तो एक काम करो, रुक जाओ। हम जान मैंने ये थोड़ा कहा है कि वो तोड़ ही देगा। हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें ये डर है कि शायद जो इसको तोड़ेगा वो तुम्हें ना तोड़ दे। तो फिर जल्दी का भाई, तुम हमें जब तुम हमें वहाँ से जोड़ रहे हो तो हम तुम्हें यहाँ से जोड़ेंगे। तुम्हारा जोड़ना सही है, तुम्हारा जोड़ना सही है, इसलिए कि तुम हो दैत्य और दैत्यों का वध किया किसके द्वारा किया गया है। तुम्हें तो भाई लगता है कैसा ना नंबर हमारा लग जाए। हम में इसमें बड़ा अंतर है, हम में इसमें अंतर है। और मैंने कहा तुम्हें बिना पेंदी का लौका, तो क्यों कहा मैंने? क्योंकि एक बार यही श्रीमान जी मिथिला आए थे लड़ने के लिए। किसके साथ में? शिव धनुआ के साथ में। शिव धनुआ ये दोनों एक साथ में आए थे लड़ने महाराज जनक से, और शिव धनुआ मारा गया, श्रीमान जी भाग गए थे। और जनक को धिक्कार है जो तुम पर विश्वास कर लिया। विश्वास हम पर करना चाहिए जनक को, तुम पर नहीं, क्योंकि तुम बिना पेंदी के लौका हो। अच्छा, तुम तो सुनो तारासुर, तुम बैठ गए। अरे हम तुम कथा सुना रहे थे तो हमने कहा विश्राम ही कर ले। नहीं, काफी है? काफी काफी, चलो धारा। इसलिए सुना बालासुर, तुम नहीं किसी से आगे हो। बेटा बतला दूं, तुम कहां कहां से भागे हो। देवासुर संग्राम याद है? याद तो होगा। हाँ याद है, बताओ। कितनी मार खाई थी? अच्छा तुम बताओ, और बताओ। भाई जो व्यक्ति मार खाता है तो याद तो रहता है, और न विश्वास हो तो पूछना उससे, बड़े कलाकार से, क्यों तिवारी जी कि कहां कहां मार खाता है। नहीं अब ये उसकी वो उसकी समस्या है, वो कहाँ कहाँ मार खाता है। तो वही तुमने किया है। कह दो बेटा बतला दूं तुम कहाँ कहाँ से भागे हो। देवासुर संग्राम याद है? सूरज से बड़ा सामना था, तेरे संग भारी सेना का मेला था। इतना सेना थी कोई सीमा नहीं थी, पर सूरज ने मार खदेड़ा था। जब सूरज की मार खा के भागे थे तो सारी सेना पीछे थी, और श्रीमान जी आगे थे भागने में। अब मेरे सामने टिको भागने की बात करते। अच्छा चलो, अरे रुक जा, चिल्ला रहे हो। अपने जीवन में चूहिया तो मारी नहीं है, बातें यहाँ डींगे हाक रहे हो। अब लो शेर चूहिया मार। अब युद्ध कभी तुमने जीते हो तो तुम्हें युद्ध नीति पता हो। अगर जिसका राजा, जिस सेना का राजा ही मारा जाए तो फिर सेना का क्या महत्व है। जैसे हमें पता चला, कह रहे हैं कि आप भागे, हमें जिस समय सूरत से युद्ध हो रहा था हमारे पिता का वध हो गया, हमें ये जानकारी मिली तो हम सर्वप्रथम हमने पुत्र धर्म निभाया, पिता को लेकर के भागे। अब तुमने युद्ध किए हो तो तुम्हें तो पता है नहीं युद्ध नीति, कभी गए हो नहीं हो, केवल गाल बजाते रहे हो। अरे तुमने तलवारें देखी है पर उनके वार नहीं देखे, तुमने देखी है शीतल किरणें। तुमने क्या देखी है? तुमने देखी है शीतल किरणें पर धधकते अंगार नहीं देखे, तुमने देखी है गिरती लहरें, तुमने देखी है गिरती लहरें पर उठते ज्वार नहीं देखे, तुमने देखी है वसंत ऋतु, तुमने देखी है वसंत ऋतु मगर पतझड़ नहीं देखे, तुमने तलवारें देखी पर उनके वार नहीं देखे। इनने वार देखे, बड़े बड़े वार देखे हैं। हमने कार है, तुम्हें मर जाना चाहिए। हाँ क्यों मर जाना चाहिए? एक नहीं दो नहीं आचार्य जी, 100 भाई है। 100 भाई होते भी साथ में बाप को लेके चलते हैं। 100 भाई है और लड़ने के लिए बाप को लेके चलते हैं, अब बाप मारे जाते हैं। और हम देखो एक कहावत कही गई, जाके लड़का समृत हुई गे पुरखन कौन परी परवाह। अच्छा कह रहे, और क्या नहीं था? कह रहे हैं कि नहीं, बात सत्य है ना? ये कह रहे नहीं, 100 भाई है और 100 भाई होने के बावजूद बाप को भी बुड्ढे को। हाँ तो वही चलो, तो कह रहे बप्पा कि... बप्पा तुम हूँ चलो। अब बप्पा मारे गए। अब हमारे इधर इधर देखो, यहाँ एक अलग पूछ सभा लगना थी। हम नहीं लड़ने गए किसी से, हमारे बेटे बहुत है,
ऐसा बेटा एक एक बेटा है। जाओ सुनो हमारी बात, हमें तो कोई मिला नहीं। ब्रह्म सृष्टि जालक तनधारी, दस मुख परवर्ती नर नारी, कोई बचा नहीं। प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। अरे जब मिले नहीं हमें, जब मिला नहीं है तुमने मारा किसी को, है नहीं ना तुम्हें को मार दे भाई। अरे तुम्हें कोई मिला है नहीं तो वहाँ वीरता किसको दिखाते रहे? हम वीर हैं भाई, तो किसको मार दे? किसको वो कह रहे हैं कि पिता कोई मिला नहीं वीर। अरे रुक तो जाओ, तुम गए कहाँ हो? हाँ कहाँ गए हो? अब कहते कहाँ गए? प्रतिभट खोजत कतौ न पावा, अपने समान का योद्धा खोजा। ब्रह्म सृष्टि जालक तनधारी, दस मुख बरवर्ती नर नारी, ब्रह्मा की सृष्टि जहाँ तक है वहाँ तक सब मेरे अधीन है। फिर इसके बाद खोजा मैंने, शायद कोई मिल जाए, पर कोई मिला नहीं। तुम मिले हो आज, तुम्हें को मार दे तो। अरे तुम्हें मार देंगे? अरे मारने की तो छोड़ो, अभी निपट लेना। अच्छा ठीक है, ये ना सोचो कि तुम, हम हैं तुम्हारे समान के। अब दिखाओ अपनी, हमारे समान की। और इसमें भी अंतर है। देखो रावण, रावण बाद में बाण। अरे बाण, अच्छा केवल नाम आगे ले देने से व्यक्ति बड़ा हो जाता। नाम रावण, जय हो। अब सुनो सकोहा, और देवन तके मेर गिर खोहा। वो देवता तुम्हारे भाई, देवता तुम्हारे भाई नाम सुनते ही बुझ जाते हैं। रावण कहीं से, अब वही तुम्हें कहते निपट ले। इसलिए सुनो, मैं किंकर हूँ प्रलंकर का, निर्भय धरा पर चलता हूँ। आगे कोई सामने तो फिर मैं आग लगता हूँ। अमर चित सहूं विचित्र, नहीं किसी से डरता हूँ। किंकर हूँ प्रलंकर का, निर्भय धरा पर चलता हूँ। ये जय बजे हमारा सिंहासन, वो प्रतुंदी जल दलने वाला। मैं किंकर हूँ प्रलंकर का, निर्भय धरा पर चलता हूँ। कर चुका कई बार, एक दो बार नहीं बेटा, कर चुका कई बार सिंगार। किसका? भगवान शंकर का। काहे से? तुम जाओगे तालाब में फूल ढोर के लाओगे, मालिकी बाग जाओगे फूल लेकर आओगे। हमने फूल नहीं लिया, सीधे उतारा शीश चढ़ा दिया। एक बार नहीं, कई बार। तो क्या ये रुक जा, एक उंगली चढ़ा दो बहादुर। अच्छा क्या ये आवश्यक है कि अगर पूजा की जाए तो गर्दन काट के ही की जाए? क्या ये आवश्यक है? अब तुम आज ऐसे मूर्ख होंगे तो काट काट के चढ़ाते रहेंगे। लो, ये कहने की बात है भाई। क्या ये आवश्यक है कि अगर पूजा की जाए तो गर्दन काट करके ही की जाए? है? निराला हूँ मैं। अब तुम निराले हो, तुमने की है कई विधाएं होती हैं। अब तुमने जिस विधा से भगवान शंकर का पूजन किया है वो तुम्हारी इच्छा है। मैं एक देखो भक्त निराला, मैं हूँ तेरा जीजा, तू है मेरा साला। अच्छा रहने दो, अब ज्यादा ना भोजन करो। मैं हूँ एक भक्त निराला, अब मैं जीजा तू साला, इसलिए निकल लो यहाँ से, मुंह में लगा लो ताला। अरे देखो, जो रिश्ता है वो तो हम स्वीकार करेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। जब हमारा रिश्ता है तुम जीजा लगते हो, हम साले लगते हैं, तो इसमें कौन सी शर्म की बात है? छोड़ रहे भाई, इसमें कौन सी शर्म की बात है कि नहीं हम तुम्हें जीजा ना कहेंगे? जो रिश्ता है उसको हम हाथ उठाकर स्वीकार करेंगे। तो साले निकल ले साले। देखो ऐसा है, संकेत मिला हमें, हमें तुम्हें ना बूझी विक्रम बात अखंड। तो वही गोलक है, ठीक है। कौन वीर बरबंड है, इसमें भी कुछ देखा जाए? इसमें कुछ ना देखा जाए, अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति करो तो फिर निकल लो, इसी में भलाई है। ठीक है, भगवान शंकर के पावन पिनाक बलि पुत्र बाण का अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। और सभा में बैठे सभी सभाजन एक बार बड़ी जोरों के साथ भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की। आना हमारा अनिवार्य था, क्योंकि महाराज जनक कपड़े हैं त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना ही विचार भर हटते ही त्रिभुवन की विजय देना चाहते महाराज जनक। अगर हम नहीं आते, बाणासुर नहीं आता, ये जो बातें कहेगी त्रिभुवन जय समेत वैदेही अधूरी बात रह जाती, क्योंकि पाताल लोक की विजय बाणासुर के पास है और मृत लोक की दो लोक की हमारे पास है। तो हम भी आए, आए रावण बाण छुआ नहीं चापा, छुआ नहीं धनुष को, हार मान के चले गए। अब इसके बाद जो तोड़ेगा उसे विजय मिलेगी त्रिभुवन की। ठीक, हम जिसकी खोज में आए थे वो मिला नहीं, जिसने ताड़का को मारा, मारीच को सागर पार फेंका, नहीं मिला। मिला कौन? बाणासुर। ये मिल गया बीच में, सोचा साथ मिल जाए वो,
ताड़का को मारने वाला, पर नहीं मिला। आज नहीं तो कल मिलेगा, एक दिन मिलेगा ही, इसे तो टूटना ही है, इसे ये टूटेगा ही तभी कार्य की पूर्ति होगी। एक बार जय घोष करिए, प्रभु शंकर भगवान की।